हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 3.1 एंड क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन 6। फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन दिस फिगर। हमें फिगर दी हुई है, उस फिगर में से हमें एंगल फाइंड करना है एक्स। अब हमारे पास ये फिगर दी हुई है, इसमें यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, कोई भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। फिगर को देखने से हमें पता चल रहा है कि फोर साइडेड है एंड फोर एंगल है, तो ये क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल है तो उसके एंगल्स का सम कितना होता है, 360। अब हमारे पास हमने यूज कर दी यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, हमारे पास एंगल क्या है, 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। तीनों को हमने ऐड कर दिया, 50 प्लस 130 प्लस 120 हमारे पास क्या आएगा, 300 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। एक्स को इधर रखेंगे, 300 को अपोजिट साइड लेके आएंगे, 360 माइनस 300, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास से 60 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट भी आपको ऐसे ही दी हुई है, फिगर को देख के हमें पता चल रहा है कि फोर साइडेड फिगर है हमारे पास है। तो फोर साइडेड फिगर क्या है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के लिए हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंगल सम प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होगा, फोर साइड है, फोर एंगल है, तो सभी एंगल्स का टोटल एंगल्स का सम कितना होगा, 360। अब हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल कितने डिग्री की होती है, 90 डिग्री की। अगर इधर 90 डिग्री है तो ये भी हमारे पास कितना है, 90 डिग्री। तो इसको भी हम क्या लिख लेंगे, 90 डिग्री। अब सभी को प्लस कर देंगे, 90 प्लस एक्स प्लस 70 प्लस 60 इज इक्वल टू 360। 90 प्लस 60 प्लस 70 तीनों को ऐड किया, क्या आ जाएगा, 220 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। 220 को इधर लेके आएंगे, 360 माइनस 220 हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 140। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। ये फिगर दी हुई है हमें, सबसे पहले हमारे पास जो एंगल्स दिए हुए हैं वो देखने हैं हमें कि क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है। ये हमारे पास 30 है, ये भी एक्स है एंड ये भी एक्स है। अब हमें ये एंगल, दो एंगल हमारे पास नहीं है। फिगर हमारे पास कितने साइडेड है, 1 2 3 4 5, 5 साइडेड है। इट मीन्स इसको निकालना पड़ेगा हमें। हम देखते हैं फर्स्ट बेस इंटीरियर एंगल, फर्स्ट बेस का इंटीरियर एंगल निकाल लेंगे हम। एक लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर के ऊपर एंगल बनता है तो कितना होता है, 180। इट मीन्स 70 प्लस इस एंगल को कर देंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 180। तो हमने क्या किया, 180 में से अगर हम 70 माइनस करेंगे तो ये एंगल मिल जाएगा हमें, इसीलिए 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। सेकेंड बेस इंटीरियर एंगल, इसी तरह से हम यहाँ से निकाल लेंगे, 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास, ये कितने डिग्री का आया, 120। फिर हमारे पास क्या है, 5 साइडेड एंगल सम ऑफ ए पॉलीगन। 5 साइडेड है तो एंगल का सम क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला था पीछे हमने किया था फोर्थ क्वेश्चन में, n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। n की वैल्यू क्या है हमारे पास, n हमारे पास साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 क्या आएगा, 3 आएगा मल्टीप्लाई 180। 180 मल्टीप्लाई 3 क्या आ गया, 540। अब हम सभी एंगल्स का सम करेंगे, इज इक्वल टू 540। हमारे पास एंगल क्या क्या है, 30 प्लस एक्स, ये एंगल हमने कितने डिग्री का निकाल रखा है, 110 प्लस ये हमारे पास क्या आया, 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 540। 30, 110 और 120 तीनों को प्लस करेंगे क्या आएगा, 260। एक्स प्लस एक्स क्या आ जाएगा आपके पास से, 2x इज इक्वल टू एंगल्स का सम क्या है, 540।
2x को इधर रखेंगे, 260 को इधर लेके आएंगे, 540 माइनस 260 माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 280। x इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई, अब इधर 2 है, 2 को इधर लेके आएंगे, डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा x की वैल्यू 140। x हमारे पास क्या आया 140। नेक्स्ट पार्ट है अब आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपका क्या दिया हुआ है, वही है हमारे पास, ये फिगर दी हुई है। फिगर में से हम देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, सभी एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं। कितनी साइडेड फिगर है, 1 2 3 4 5, 5 साइडेड फिगर है। पहले हम क्या करेंगे, एंगल सम ऑफ ए पॉलीगन, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। n की वैल्यू हमारे पास 5 है, नंबर ऑफ साइड्स 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। 5 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 540। सभी एंगल्स कितने डिग्री के दिए हुए हैं, एक्स एक्स एक्स, सभी की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 540। टोटल करेंगे 1 2 3 4 5, 5 टाइम एक्स आया है तो क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 540। x को इधर रखेंगे, 5 को अपोजिट साइड लेके जाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 108। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 108। नेक्स्ट है इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट है फाइंड x प्लस y प्लस z। हमें पहले x y और z की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज 180। कोई भी हमारे पास लीनियर पेयर, लीनियर पेयर क्या होता है, कोई भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर हम एंगल बनाते हैं वो कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। अब हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे अगर हम एंगल बनाएंगे कितने का बनेगा 180। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एक पेयर बनाएंगे तो ये भी क्या बनेगा 180। हम सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज 180। अब 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, एक्स इज इक्वल टू 180 में से 90 माइनस कर देंगे तो क्या एक्स की वैल्यू क्या आ गई 90। इसी तरह इसमें करेंगे जेड प्लस 30 इज इक्वल टू 180, जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 30, क्या आ जाएगा आपके पास 150। अब हमारे पास क्या बचा, वाई, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 प्लस 30। रीजन क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कोई भी हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, अगर हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल के उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम। ये y है हमारे पास, इसके अपोजिट देखो यहाँ पे y है, इसके साथ एंगल यहाँ बनेगा। अब इसके अपोजिट कौन है, ये दोनों एंगल, इन दोनों एंगल्स का हम सम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। y इज इक्वल टू 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की आ गई एंड z की, तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आई 90 प्लस y की वैल्यू 120 और z की वैल्यू 150, तीनों को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास 360। नेक्स्ट है फाइंड x प्लस y प्लस z प्लस w यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम क्या होगा 360। अब सभी एंगल्स लेके चल रहे हैं हम, इंटीरियर एंगल दिए हुए हैं हमें सारे, कैन फाइंड करना हमें एन, 60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस एन इज इक्वल टू 360। 60 प्लस 80 प्लस 120 क्या आएगा आपके पास 260 प्लस n इज इक्वल टू 360। n को इधर रखेंगे, 260 को अपोजिट साइड लेके आएंगे, इधर प्लस है इधर माइनस आएगा, 360 माइनस 260, n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 100 डिग्री। इसी तरह से सिंस सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज 180, अब हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज 180, हम किसको फाइंड करेंगे,
डब्ल्यू प्लस एन प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 180। एन की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 100, तो क्या आ जाएगा डब्ल्यू प्लस 100 इज इक्वल टू 180। डब्ल्यू इज इक्वल टू 180, इधर प्लस है इधर लेके आएंगे माइनस आ जाएगा 180 माइनस 100 क्या आ गया 80 डिग्री। इसी तरह से हमारे पास एक्स प्लस 120 इज इक्वल टू 180, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60। नेक्स्ट है हमारे पास वाई प्लस 80 इज इक्वल टू 180, वाई इज इक्वल टू 80 को इधर लेके आएंगे 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास जेड प्लस 60 इज इक्वल टू 180, जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 120 डिग्री। अब हमें फाइंड करना था एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, x की जो वैल्यू आई है पहले वो पुट करेंगे। x की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 60 प्लस y, y की वैल्यू आपके पास आई 100, z की वैल्यू 120 एंड w की वैल्यू आपके पास क्या है 80। सभी अगर हम एंगल्स का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 360। थैंक यू, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, कल करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।